तो फाइनली मैं मॉल रोड मनाली पहुंच चुका हूं। हियर इज द अपना मॉल रोड मनाली, खाली सा टूरिस्टों की आस में। वन विहार के अंदर घुसते ही ना एक सुकून आ जाता है यार। ऊपर के लिए ओल्ड मनाली के लिए जाते हैं तो दो रास्ते हैं, एक रास्ता यहाँ से जो कि अपना चिड़ियाघर होकर जाता है और दूसरा रास्ता ऐसे सीधे। तो ये देखिए, ये रहा अपना चिड़ियाघर और यहाँ आते ही हमें मोर दिख चुका है। तो फाइनली मैं मॉल रोड मनाली पहुँच चुका हूँ। हियर इज द अपना मॉल रोड मनाली, खाली सा टूरिस्टों की आस में। कब अपने टूरिस्ट भाई बहन आएंगे और इधर घूमेंगे, पूरे मॉल रोड ऐसा पैक हो जाएगा पता नहीं। अभी तो मुझे लग रहा बहुत टाइम लगने वाला है। बीच में ऐसा लगा था कि थोड़े से आ गए है टूरिस्ट, लेकिन जैसे ही अपना फिर से बादल फटा, फिर से बारिश आई, तो एक बार फिर से अपना मॉल रोड मनाली खाली हो चुका है एकदम से। तो अपने लोकल लोग हैं, थोड़े से होटलियर हैं जिन्होंने होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह लीज पे लिए, वो ही घूम रहे हैं। फिलहाल अपना टूरिस्ट तो एक भी नहीं दिख रहा भाई, एक भी। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो अपना फॉरनर दिख रहा था, रशियन दिख रहे थे, थोड़े से टूरिस्ट दिख रहे थे, लेकिन इस बार तो भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ अपने लोकल लोग और जो लीजर हैं। बाकी देखिए कोई नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं भाई साहब, पूरा मॉल रोड मनाली खाली और हम और आप। तो चलिए कुछ चीज़ें दिखाते हैं, अभी थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा काम ख़त्म करते उसके बाद मिलते और आगे की डिटेल बताते हम लोग। तो फाइनली हम लोग काम ख़त्म करके आ चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं हम लोग वन विहार। तो अपना मनाली का वन विहार देखिए सामने ही है, तो हम लोग अंदर जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है। और सबसे पहले ना पानी की बोतल ले ली है। मनाली में भी भाई इतनी गर्मी हो चुकी है ना, सीधे पसीने निकल जाते हैं। पीछे इतनी बारिश लगी, इतनी बारिश की मैंने सोचा था कि गर्मी में भी ठंड हो गया भाई, हमें ना अपर जैकेट ऐसे वैसे सब चीज़ें निकालनी पड़ गई थी, लेकिन अब फिर से इतनी गर्मी ना सीधे पसीने निकल रहे। तो चलिए अभी अंदर जा रहे हैं हम लोग। ये रहा अपने वन विहार का गेट। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं, कुछ आप लोगों को भी दिखाते हैं और अपना काम भी करते हैं यहाँ पे ख़त्म। वन विहार के अंदर घुसते ही ना एक सुकून आ जाता है यार, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं और मतलब अलग ही फीलिंग आ जाती है। तो यहाँ से ना ऊपर के लिए ओल्ड मनाली के लिए जाते हैं तो दो रास्ते हैं, एक रास्ता यहाँ से जो कि अपना चिड़ियाघर होकर जाता है और दूसरा रास्ता ऐसे सीधे सीधे बीच से निकल जाता है। तो हम लोग चलते हैं सीधे ऐसे चिड़ियाघर होते हुए, ताकि कुछ चिड़ियाघर में भी दिख जाए आप लोगों को भी और हमें भी कुछ दिख जाए, और थोड़ा मन बना रहता है यार। मतलब अकेले चलते हो ना आप ऐसे, तो कुछ कुछ चीज़ें दिख जाए तो मतलब एक अलग वाली फीलिंग आती है, वरना तो वो सीधे सीधे वाला रास्ता है, सीधे ओल्ड मनाली पहुंच जाओ। तो यहाँ पे देखिए क्या फीलिंग है भाई, जो ये वाली फीलिंग होती है ना एक अलग ही वाली फीलिंग होती है, अलग ही वाइब्स आती है यार। ठंडी ठंडी हवाएं और ऐसे, और जो पेड़ों की स्मेलिंग होती है ना, पेड़ों की इनकी पत्तियों की स्मेलिंग होती है ना भाई साहब, मतलब एक अलग ही फील दे जाती है, मतलब बयान नहीं कर सकते हो आप खुद आओगे घूमोगे फील करोगे भाई, तभी है। यहाँ पे देखिए सुंदर सा पुल बनाया है ऐसे आर्क वाला, यहाँ पे आप बैठ के मस्त वाला वीडियोग्राफी कर सकते हो, रील बनेगी यहाँ पे मस्त वाली फोटोग्राफी, बट मेरे साथ है नहीं कोई ऐसा बनाने वाला। बस सोलो ट्रिप में ना एक यही दिक्कत है कि आपके साथ होता नहीं है कोई जो आपकी रील बना सके, फोटोग्राफी कर सके। हाँ ये अलग बात है, आप ट्राईपोड ले लो एक साथ में रख लो, कैरी कर लो प्रॉपरली, वो अलग बात है, वरना तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कोई साथ होगा तो थोड़ी बातचीत हो जाती है और बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो ये देखिए, ये रहा अपना चिड़ियाघर और यहाँ आते ही हमें मोर दिख चुका है। ये देखिए मोर भैया, मोर भैया कहाँ जा रहे हो मोर भैया? आज एक है यहाँ पे, आगे तो बहुत सारे होते हैं। ओ भाई यार, बाज देखिए कितने सारे हैं यहाँ पे।